कल्पतरु प्रोजेक्ट इंफ्लेशन जिसको पहले कल्पतरु पावर के तौर पर भी जानते थे, ये शेयर देखिए इस साल हमने देखा करीब 19% का रिटर्न देखने को मिला। पूरा पावर सेक्टर में हमने देखा काफी शानदार देखने को रिटर्न मिला है, खासतौर पर सरकारी कंपनियों में। उसके मुकाबले कह सकते हैं कि शेयर में बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिला है। हालांकि करीब 66 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसकी जिसमें इसकी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात किया तो करीब 36% के आसपास का है। गौरांग सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से ऑर्डर बुक है इस कंपनी का, आपको लगता है कि यहां से शेयर में अगले एक साल में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है? पहले क्षेत्र के ऊपर बात कर लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, इस क्षेत्र में अगर आप किसी भी कंपनियों को चुनते हैं निवेश करने के लिए तो आपका नजरिया और भी लंबा होना चाहिए, क्योंकि जो भी नीतियां बदल रही है सरकार की और जो नई क्षमता ऊर्जा उत्पादन की जोड़ने की बात करी आने वाले 3 से 5 सालों में, और ये जो ऊर्जा उत्पादन होगी वो ज्यादातर कन्वेंशनल ग्रीन पावर, कन्वेंशनल पावर से हट करके ग्रीन पावर यानी कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी उत्पादन होगी। मिसाल के तौर पर सूर्य से उत्पादन होने वाली सोलार एनर्जी और वायु से उत्पादन होने वाली विंड एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा क्षमता इस पर आएगी। अब कल्पतरु पावर पर या प्रोजेक्ट्स पर सीधे सीधी राय हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक अच्छी कंपनी है इस क्षेत्र की और इसके साथ साथ बाकी और भी अन्य कंपनियां हैं जो बहुत बड़ा काम कर रही है और अपने जो उत्पादन क्षमता है उसमें निवेश करके उसको और ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं ताकि आपको, और ये भी एक जरूर क्षेत्र है मनीष, अगर आप देखने जाए तो अगर आप अपना उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे तो आपको जरूरत लगेगी ऊर्जा की, अगर ऊर्जा नहीं होगी तो आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाओगे जो कि हमने निर्धारित किया नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का। तो ये पूरा समीकरण जो मैं करता हूं, ये मुझे लग रहा है कि ये अच्छी कंपनी है, मैं सीधे सीधे राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन हाँ बैलेंस शीट बहुत मजबूत है और भविष्य काफी उज्ज्वल है इस क्षेत्र का। वैसे भी सर भगवान सर आपकी अदा जो है ना बेहद खास है कि आप सीधे सीधे राय नहीं देते पर इशारे में बहुत कुछ कह देते हो और हमारे दर्शक जो इस बात को आसानी से समझ जाते हैं क्योंकि वो सालों से आपको फॉलो कर रहे हैं।